आज एजाजात अवार्ड्स दिए जाएंगे। यौमे पाकिस्तान के मौके पर सिविल एजाजात सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी अता करेंगे। मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी में बेहतरीन खिदमात सर अंजाम देने वाले अफराद को आज सिविल अवार्ड दिए जाएंगे। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी ये एजाजात अता करेंगे। ये पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया है वाने सदर इस्लामाबाद में। मुख्तलिफ इदारों मुख्तलिफ शोबाए जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की कसीर तादाद इस तकरीब में शिरकत कर रही है जो कि जिनको आज सदर डॉक्टर आरिफ अलवी एजाजात से नवाजेंगे। इस तकरीब में विफाकी वुजरा भी शरीक हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इस तकरीब में एजाजात अता करेंगे। खिदमात का शोबा हो, तिब का शोबा हो, इसके साथ साथ सिविल एजाजात आज अता किए जाएंगे सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से। वो तमाम पाकिस्तानी जिन्होंने मुख्तलिफ शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया है उन्हें हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से आज सदर एजाजात अदा करेंगे। सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी पाकिस्तान का एजाज सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से अदा किया जाएगा। तकरीब का आगाज होने जा रहा है, आप देख सकते हैं मनासिर। यौमे पाकिस्तान के मौके पर तकसीम एजाजात की तकरीब ईवान सदर इस्लामाबाद में मुनाकिद की गई है। आप मनाजिर देख सकते हैं, सदर डॉक्टर आरिफ अलवी तशरीफ ला रहे हैं। इस तकरीब का बाकायदा आगाज होगा। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी इस तकरीब में एजाजात अता करेंगे। यौमे पाकिस्तान के मौके पर इस तकरीब का इनेकाद किया। Ladies and gentlemen, national anthem. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। सदर मुमलिकत, आपकी इजाजत हो तो तकरीब बराए तकसीम में सिविल एजाजात 2022 का आगाज किया जाए। इस तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से किया जाता है। तिलावत कलाम पाक की सआदत हासिल करने के लिए मैं जनाब कारी डॉक्टर इकरामुल हक से दरख्वास्त करता हूँ। कलाम पाक की सआदत हासिल करने के लिए मैं जनाब कारी डॉक्टर इकरामुल हक से दरख्वास्त करता हूं। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم. صدر مملکت سے درخواست ہے کہ اعزازات کی تقسیم کا آغاز فرمائیں. جناب محمد نعیم اعزاز نشان امتیاز شعبہ سائنس کیمیا. جناب محمد نعیم کو اپریل 2015 میں ایٹمی توانائی کمیشن کا چیئرمین مقرر کیا گیا. آپ نے 18 نیوکلیئر طبی مراکز کی کامیاب اپ گریڈیشن اور توسیع کی جو ملک میں کینسر کے 80% سے زیادہ مریضوں کے حفظان صحت کی جدید ترین سہولیات مہیا کر رہے ہیں. آپ نے زراعت اور غذائی ٹیکنالوجی کے میدان میں فصلوں کی 23 اقسام کے بشمول مختلف فصلوں کی 115 اقسام تیار کی ہیں جن سے جی ڈی پی میں کئی بلین روپیز کا اضافہ ہوا. آپ نے انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی کے بورڈ آف گورنرز میں 4 سال تک بطور گورنر پاکستان کی نمائندگی کی. آپ کو 2005 میں ستارہ امتیاز اور 2013 میں ہلال امتیاز سے نوازا جا چکا ہے. سائنس کیمیا کے شعبے میں آپ کی غیر معمولی خدمات کے اعتراف میں صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے جناب محمد نعیم کو نشان امتیاز کا اعزاز عطا کیا ہے. جناب نظر محمد راشد نون میم راشد مرحوم
एजाज निशान इम्तियाज बाद अज वफात शोभा अदब। जनाब नजर मोहम्मद राशिद 1 अगस्त 1910 को गुजरांवाला में पैदा हुए। 1952 में इकतसादियात में मास्टर्स डिग्री हासिल की। अपनी पेशा वराना जिंदगी का आगाज 1934 में कमिश्नर ऑफिस मुल्तान से किया। बाद अजां आप रेडियो पाकिस्तान से मुंसलिक हो गए, जहां आपने न्यूज एडिटर और डायरेक्टर प्रोग्राम्स की हैसियत से खदमात सरंजाम दी। आपकी तवील नज़म हुस्न कोज़ागर को जदीद उर्दू शायरी में एक क्लासिक का दर्जा हासिल है। आपकी शायरी के मजमुओं में मावरा, ईरान में अजनबी वगैरह शामिल हैं। आपने आलमी अदब के कई शाहकारों का तर्जमा भी किया। आपने 9 अक्टूबर 1975 को लंदन में वफात पाई। अदब के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब नजर मोहम्मद राशिद नून मीम राशिद मरहूम को निशान इम्तियाज बाद अज वफात का एजाज अता किया है। मैं उनकी बेटी से दरख्वास्त करती हूं कि वो आकर एजाज वसूल करें। जनाब मजीद अमजद अब्दुल मजीद मरहूम एजाज निशान इम्तियाज बाद अज वफात शोबा अदब। जनाब मजीद अमजद 29 जून 1914 को ढंग में पैदा हुए। आपने अपनी इब्तदाई तालीम एक मदरसे से हासिल की। आपने हफ्तावार उरूज के मुदीर की हैसियत से काम किया। आप फारसी और अंग्रेजी पर अबूर रखते थे। आपने जदीद इंसान के दर्दनाक मसाइल पर फलसफियाना अंदाज से गौर फिक्र किया। दौरान हयात आपका पहला कलाम शब रफ्ता के उन्वान से शाया हुआ, जबकि आपकी वफात के बाद शाया करदा मजमूआत में शब रफ्ता के बाद कुलियात मजीद अमजद शामिल हैं। आपने 11 मई 1974 को साहिवाल में वफात पाई। अदब के शोबे में गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मजीद अमजद अब्दुल मजीद मरहूम को निशान इम्तियाज बाद अज वफात का एजाज अता किया है। मैं उनकी भतीजी से दरख्वास्त करती हूं कि वो आकर एजाज वसूल करें। डॉक्टर इनामुर रहमान एजाज हिलाल इम्तियाज शोबा साइंस न्यूक्लियर फिजिक्स। डॉक्टर इनामुर रहमान ने गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तबियात में एमएससी करने के बाद 1958 में पाकिस्तान एक्मी तवानाई कमीशन में शमूलियत इख्तियार की। आपने 1968 में नॉर्थ कैरोलिना यूएसए से पीएचडी की। पाकिस्तान वापस आने के बाद पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में रिएक्टर स्कूल के नाम से 2 कमरों पर मुश्तमिल एक छोटे तरबियती इदारे का कयाम अमल में लाए। बाद अजां ये इदारा सेंटर फॉर न्यूक्लियर स्टडीज की हैसियत से तरक्की पा गया और बिलआखिर 2000 में इसे हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से डिग्री अता करने का इख्तियार दे दिया गया। आपको 1991 में एजाज कमाल और 1996 में सितारा इम्तियाज का एजाज अता किया गया। 1997 में सुबकदोश होने के बाद आप अब भी पीएईसी प्रोग्राम में रजाकाराना तौर पर सीनियर क़यादत को लेक्चर्स देने के जरिए शामिल हैं। साइंस न्यूक्लियर फिजिक्स के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने डॉक्टर इनामुर रहमान को हिलाल इम्तियाज का एजाज अता किया है। डॉक्टर कमर महबूब
एजाज हिलाले इम्तियाज, शोभा इंजीनियरिंग न्यूक्लियर। डॉक्टर कमर महबूब ने एमएससी न्यूक्लियर इंजीनियरिंग मुकम्मल करने के बाद 1980 में पाकिस्तान एटमी तवानाई कमीशन में शमूलियत इख्तियार की। आपने यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर इंग्लैंड से 1991 में पीएचडी की। यकम जनवरी 2001 से आप बतौर रुकन और चेयरमैन मुशावरती काउंसिल खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। बतौर रुकन मटीरियल्स आपने इंतहाई मुस्तअदी से कौमी अहमियत के हामिल मंसूबे की पैदावार में इजाफे को मुमकिन बनाया और एक दूसरे मंसूबे में अहम तरामीम करके तंसीब और आगाज के अमल को जामे तहकीक और तरक्की के जरिए कामयाबी से हमकिनार किया, जिसके नतीजे में कीमती वक्त और ठोस माली बचत मुमकिन हो सकी। आप उन रेडियो आइसोटोप्स की मकामी सतह पर पैदावार के लिए भरपूर तरीके से खिदमात सरंजाम दे रहे हैं, जिनसे पाकिस्तान को महरूम रखा गया। आपको 2008 में सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी और 2015 में सितारा इम्तियाज अता किया गया। इंजीनियरिंग न्यूक्लियर के शोबे में आपकी गैरमामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने डॉक्टर कमर महबूब को हिलाले इम्तियाज का एजाज अता किया है। जनाब ताहिर इकराम, एजाज हिलाले इम्तियाज, शोबा इंजीनियरिंग मैकेनिकल। जनाब ताहिर इकराम मैकेनिकल इंजीनियर हैं और मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन में तखसस के साथ मास्टर्स डिग्री के हामिल हैं। गुजश्ता 3 दहाइयों से आप कहूटा रिसर्च लेबोरेटरीज KRL की कलीदी सरगर्मियों से वाबस्ता हैं। आपने दिफाई अहमियत की हामिल हसास तफवीजात को मौसर अंदाज में पाया तकमील तक पहुंचाया और 90 की दहाई के अवाइल में मुल्क में पहले सॉफ्टवेयर मुकाबले का कामयाबी से इनकाद किया। आपने इंतहाई महारत से KRL के पैदावारी मैदान में मंसूबा बंदी, राबिते और निगरानी के मायरात को बुलंद किया। 2018 में बतौर चेयरमैन KRL आपकी मुद्दत मुलाजमत के दौरान KRL के जाविये निगाह और इनफरादी कारकर्दगियों में नुमाया तब्दीली देखने में आई। आपको 2015 में सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया गया। इंजीनियरिंग मैकेनिकल के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब ताहिर इकराम को हिलाले इम्तियाज का एजाज अता किया है। जनाब रुहेल हयात, एजाज हिलाले इम्तियाज, शोबा फन मौसीकार। जनाब रुहेल हयात पाकिस्तानी रिकॉर्ड प्रोड्यूसर, कीबोर्डिस्ट और कंपोजर हैं। बहसियत रिकॉर्ड प्रोड्यूसर आपने पाकिस्तानी मौसीकी में मगरबी तर्ज के रॉक और पॉप का आगाज किया। 1987 में आपने वाइटल साइंस की बुनियाद रखी और एक हिट और मशहूर एल्बम वाइटल साइंस 1 जारी किया। इससे पहले एल्बम में बैनुल अक्वामी नंबर 1 दिल दिल पाकिस्तान, जो कि बीबीसी वर्ल्ड के मुनक्कद किए गए पोल के मुताबिक दुनिया का 3रा मशहूर नगमा था, और तुम मिल गए शामिल थे, जिन्हें आपने कंपोज किया। आपने इस बैंड की तारीख में मुख्तलिफ औकात में बैंड मेंबर, प्रोड्यूसर, नगमा निगार, गिटारिस्ट और कीबोर्डिस्ट का किरदार अदा किया। 2008 में आपने बैनुल अक्वामी म्यूजिक फोरम खो के स्टूडियो की बुनियाद रखी और आपको पाकिस्तान के नामवर और नए फनकारों को निगार, गिटारिस्ट और कीबोर्डिस्ट का किरदार अदा किया। 2008 में आपने बैनुल अक्वामी म्यूजिक फोरम खो के स्टूडियो की बुनियाद रखी और आपको पाकिस्तान के नामवर और नए फनकारों को मंजर आम पर लाने का एजाज हासिल है। फन मौसीकार के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब रुहेल हयात को हिलाले इम्तियाज का एजाज अता किया है।
मोहतरमा किश्वर नाहीद एजाज हिलाल इम्तियाज शोभा अदब मोहतरमा किश्वर नाहीद एक नामवर मुसन्निफा शायरा और सकाफत को फरोग देने के हवाले से खास शोहरत की हामिल हैं। आप पिछले 50 सालों से मुख्तलिफ सरकारी और निजी इदारों में पब्लिशर और कहानी नवीस की हैसियत से खिदमात अंजाम दे रही हैं। आपको शायरी की 12 जिल्दों और बच्चों की 8 किताबें लिखने का एजाज हासिल है। आपको 1974 में बच्चों के अदब के लिए यूनेस्को अवार्ड अदा किया गया। आपकी शायरी के मकबूल कामों में लबे गोया बेनाम मुसाफत और नज़में वगैरह शामिल हैं। आप अपने जुरतमंदाना वाज़े शायराना अंदाज और मसावात इंसाफ और आज़ादी के लिए आलमगीर इंसानी जद्दोजहद के एतराफ के हवाले से शोहरत रखती हैं। आपने एक मोतबर अदबी मैगजीन माहिनो की तदवीन भी की और एक तंजीम हवा की बुनियाद रखी। आपको 2005 में नोबेल आम इनाम बराए ख़वातीन के लिए भी नामजद किया गया। आपको 2000 में सितारे इम्तियाज का एजाज अता किया गया था। अदब के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मोहतरमा किश्वर नाहीद को हिलाले इम्तियाज का एजाज अता किया है। नेम मिस्टर मोहम्मद आजमी अब्दुल हामिद अवार्ड सितारा पाकिस्तान फील्ड सर्विसेज टू पाकिस्तान मिस्टर मोहम्मद आजमी अब्दुल हामिद इज एन एमिनेंट सोशल ह्यूमन राइट्स एंड पीस एक्टिविस्ट हु एस्पाउसेस ह्यूमैनिटेरियन एंड सोशल वेलफेयर कॉजेज पर्टिकुलरली चैंपियनिंग राइट्स ऑफ ऑप्रेस्ड मुस्लिम माइनॉरिटीज इंक्लूडिंग कश्मीरीज He is the president and founder of Malaysian Consultative Council of Muslim Organization. He organized roadshow talks at 100 mosques across Malaysia to raise awareness on Kashmir issue. In recognition of his outstanding services in the field of service to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Mr. Muhammad Azmi Abdul Hamid the Award of Sitara-e Pakistan. नेम शेख अहमद बिन हमद अल खलीली अवार्ड सितारा पाकिस्तान फील्ड रिलीजियस स्कॉलर शेख अहमद बिन हमद अल खलीली वॉज बॉर्न इन जंजिबार तंजानिया इन 1942 ही इज ग्रैंड मुफ्ती ऑफ द सल्तनत ऑफ ओमान होल्डिंग दिस पोर्टफोलियो फॉर द लास्ट 46 ईयर्स He has authored more than 120 books which have been translated in many languages. He has also authored Tafsir of Holy Quran consisting 4 volumes. He is one of the founding members of International Islamic University Islamabad and member of the board of the trustee of the university. In recognition of his outstanding services in the field of religious scholar, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Sheikh Ahmed bin Hamad al-Khalili the Award of Sitar-e-Pakistan. His award will be received by His Excellency Sheikh Ahmed Saud al-Siabi.
जनाब मोहम्मद बख्श बुरड़ो और मोहतरमा रेशमा, एजाज सितारा शुजात, शोभा शुजात। जनाब मोहम्मद बख्श बुरड़ो और मोहतरमा रेशमा ने एक अगवाशुदा बच्ची की बाजियाबी के सिलसिले में अहम किरदार अदा किया। 25 अक्टूबर 2020 को मोहतरमा तबस्सुम ने कश्मोर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि वो और उसकी 4 साल बेटी एक पुरकशिश मुलाजमत के झांसे में आकर मलिक रफीक के पास कश्मोर पहुंची तो उसे और उसकी बेटी को उसने और दीगर 2 अफराद ने अगवा करके इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बनाया। बाद अजा मुजरिमों ने उसे 2 दिन के बाद इस शर्त पर जाने दिया कि अगर वो अपनी बेटी की वापसी चाहती है तो उनके लिए कोई और औरत लेकर आए। असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद बख्श और आपके अहले खाना ने मुतासरा खानदान को अपने जाती घर में पनाह दी। एएसआई मोहम्मद बख्श बुरड़ो ने मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए अपनी बेटी रेशमा को मुश्तबा शख्स से फोन पर बात करने और उस औरत की तरह बर्ताव करने का कहा जो उन्हें दरकार थी। बाद अजां 10 अक्टूबर 2020 को मोहतरमा रेशमा ने मुतासरा खातून के साथ कश्मोर के एक पार्क में उस मुश्तबा शख्स से मुलाकात की जिसके नतीजे में पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया और मोहतरमा तबस्सुम की बेटी को करीबी अहाते से बाजियाब कर लिया। शुजात के शोबे में आप दोनों की गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मोहम्मद बख्श बुरड़ो और मोहतरमा रेशमा को सितारा शुजात के एजाजात अता किए हैं। मैं मोहम्मद बख्श बुरड़ो से दरख्वास्त करती हूं कि अपना एजाज वसूल करें। अब मैं मोहतरमा रेशमा से दरख्वास्त करती हूं कि अपना एजाज वसूल करें। ब्रिगेडियर शफीउल्लाह खान, एजाज सितारा शुजात, शोभा शुजात। ब्रिगेडियर शफीउल्लाह खान इंसदादे दहशतगर्दी के शोबे में वसी तजर्बा और बरवक्त फैसला साजी की सलाहियत के हामिल हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्द सरगर्मियों में मुलव्वस अनासिर जो बेगुनाह शहरियों के कत्लो गारत और पुलिस एहलकारों की टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाया। आपने हाई वैल्यू अहदाफ को गिरफ्तार करने और उन्हें खत्म करने के साथ साथ दहशतगर्दों के खिलाफ किए गए कई ऑपरेशन में अपनी टीम की क्यादत की। आपने कई रिकवरी ऑपरेशंस सरंजाम दिए और खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में बड़ी तादाद में असलहा और गोला बारूद बाजियाब करवाया। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने ब्रिगेडियर शफीउल्लाह खान को सितारा शुजात का एजाज अता किया है। डॉक्टर सैयद हुसैन इमाम आबिदी, एजाज सितारा इम्तियाज, शोभा साइंस सनती बायोटेक्नोलॉजी। डॉक्टर सैयद हुसैन इमाम आबिदी बतौर चेयरमैन पाकिस्तान काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च और वजारत साइंस और टेक्नोलॉजी के टेक्निकल एडवाइजर खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। आपने 2007 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में तखस्सुस के साथ डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की। आपकी जदीद तरीन तहकीक को एक मोतबर साइंसी जर्नल सेल रिसर्च नेचर के सरेवर्क पर शाया किया गया है। आपकी इजाद प्रोटोटाइप बायोलॉजिकल सिस्टम है। आपके US पैटेंट नंबर 13/0392777 ने जो कि 2014 में जारी हुआ टेक्नोलॉजी की तजारती पैमाने पर तौसी के लिए $10 बिलियन की सरमायाकारी को मतवज्जो किया। आप पुख्ता दिफाई टेक्नोलॉजीज को आम दायरा इख्तियार तक फैलाने के लिए नेशनल सिविल डिफेंस R&D फ्रेमवर्क की क्यादत कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान में सनती इनकलाब के हवाले से इंतहाई अहम है। साइंस
सनती बायोटेक्नोलॉजी के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने डॉक्टर सैयद हुसैन इमाम आबिदी को सितारे इम्तियाज का एजाज अता किया है। जनाब राशिद राणा एजाज सितारे इम्तियाज शोबा फाइन आर्ट्स। जनाब राशिद राणा के काम को मुतअद्दिद निजी और सरकारी जखीरों में नुमाइश के लिए रखा गया है। अपने तसव्वुरात अक्कासी और तस्वीरी हिकमत अमली के लिए मुमताज जनाब राशिद राणा ने मुसव्वरी स्टेनलेस स्टील के मुजस्मों वीडियो इंस्टॉलेशन फोटो स्कल्पचर और फोटो मोज़ेक जैसे मुख्तलिफ ज़राए में काम किया है। आपने आलमी सतह पर मुख्तलिफ गैलरियों और अजायब घरों में वसी पैमाने पर नुमाइशें की हैं। 2015 में आपके काम को ब्रिटिश म्यूजियम से दुनिया के खजाने के नाम से एक तारीखी नुमाइश में शामिल किया गया। मोहाटा पैलेस अजायब घर कराची में मौजूद आपकी सर्वे नुमाइश किसी एक फनकार की पाकिस्तान में होने वाली सबसे बड़ी नुमाइश है। 2008 में सदबीज न्यूयॉर्क में आपके एक फन पारे की 6,23,000 अमरीकी डॉलरों में नीलामी हुई जो किसी भी पाकिस्तानी फनकार के तख्लीक करदा आर्ट के बड़े फन पारे की अब तक सबसे ज्यादा कीमत है। फाइन आर्ट्स के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब राशिद राणा को सितारा इम्तियाज का एजाज अता किया है। सैयद अकील बिलगरामी एजाज सितारा इम्तियाज शोबा माहिरे तामीरात। सैयद अकील बिलगरामी 1944 में हैदराबाद इंडिया में पैदा हुए। आपने 1967 में कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स एंड आर्किटेक्चर हैदराबाद से ग्रेजुएशन की। आप 1972 से बिलगरामी और फारूकी के प्रिंसिपल आर्किटेक्ट और शराकतदार हैं और 2009 से नजमी बिलगरामी कोलैबोरेटिव प्राइवेट लिमिटेड के चेयरमैन और प्रिंसिपल हैं। आपने 35 से जायद कौमी और बैन अलाक्वामी डिजाइन मुकाबलों और एजाजात में बतौर ज्यूरी रुकन और चेयरमैन खिदमात सरंजाम दी हैं। आपके जीते गए डिजाइन मुकाबलों में बलोचिस्तान हाउस इस्लामाबाद ठट्ठा शुगर मिल्स हाउसिंग कॉलोनी और अबूधाबी पैलेस कराची शामिल हैं। आप 2 मरतबा इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स पाकिस्तान के सदर मुंतखब हुए। आप 1990 में कायम होने वाले इंडस वैली स्कूल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर कराची के बानी अराकीन में से एक हैं। आप पहले पाकिस्तानी हैं जिन्हें आर्किटेक्ट्स रीजनल काउंसिल एशिया के चेयरमैन के तौर पर मुंतखब किया गया है। माहिरे तामीरात के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने सैयद अकील बिलगरामी को सितारे इम्तियाज का एजाज अता किया है। जनाब महमूदुल हक अलवी मरहूम एजाज सितारे इम्तियाज बाद अज वफात शोबा इंसान दोस्ती। जनाब महमूदुल हक अलवी मरहूम एजाज सितारे इम्तियाज बाद अज वफात शोबा इंसान दोस्ती। जनाब महमूदुल हक अलवी 1937 में जलंधर इंडिया में पैदा हुए। आपने अली ट्रस्ट पाकिस्तान को 27 मई 1984 में मुकम्मल किया। अली ट्रस्ट पाकिस्तान एक गैर सरकारी गैर मुनाफा बख्श फलाही इदारा होने के नाते पाकिस्तानी मौशरे खुसूसन पसमानदा तबके की तालीम और सेहत की देखभाल के शोबों में खिदमत के लिए वक्फ है। ट्रस्ट की तरफ से फराहम करदा खिदमात तमाम तालीमी इदारों अस्पतालों और क्लिनिक्स में मुकम्मल तौर पर मुफ्त हैं। इस वक्त ट्रस्ट के जेर इंतजाम मनसूबों की तादाद 23 है।
आप बहुत से फलाही मंसूबों के बानी हैं, जिनमें अली ट्रस्ट पाकिस्तान, अली मेडिकल सेंटर इस्लामाबाद, अली ट्रस्ट आई अस्पताल ओकाड़ा, अली ट्रस्ट टीबी क्लिनिक पाकपतन, अली ट्रस्ट फ्री ट्रांसपोर्ट सर्विस इस्लामाबाद, अली ट्रस्ट मॉडल स्कूल भवन चकवाल वगैरह शामिल हैं। इंसान दोस्ती के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब महमूदुल हक अलवी मरहूम को सितारे इम्तियाज बाद अज़ वफात का एजाज अता किया है। मैं उनके बेटे से दरख्वास्त करता हूं कि वो आकर एजाज वसूल करें। जनाब सलमान इकबाल, एजाज सितारे इम्तियाज, शोबा खेल क्रिकेट के लिए खिदमात। जनाब सलमान इकबाल ने 2000 में ARY डिजिटल नेटवर्क की बुनियाद रखी। आप पाकिस्तानी सेटेलाइट टेलीविजन चैनल लॉन्च करने वाले पहले शख्स हैं। 9 सितंबर 2015 को पाकिस्तान सुपर लीग की बुनियाद रखी गई। आप PSL की एक टीम कराची किंग्स के मालिक हैं। 2015 में PSL के आगाज से ही आपने दुनिया भर में PSL के फरोग में मदद फराहम की और आपकी अंत तक कोशिशों की बदौलत कई बैन अलावामी खिलाड़ी पाकिस्तान आए और नौजवान क्रिकेटर्स के टैलेंट को मंजर आम पर लाने में मदद हासिल हुई। PSL अब दुनिया की दूसरी बड़ी लीग के तौर पर उभर कर सामने आई है। आपने पाकिस्तान की फिल्मी सनत की बहाली में भी मदद फराहम की और ARY डिजिटल नेटवर्क ने कई सुपरहिट फिल्में रिलीज करके पाकिस्तान की फिल्मी सनत की बहाली में अहम किरदार अदा किया। ये फिल्में न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर के सिनेमाघरों में पेश की गईं। खेल क्रिकेट के लिए खिदमात के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब सलमान इकबाल को सितारे इम्तियाज का एजाज अता किया है। सैयद तजम्मुल हुसैन, एजाज सदारती एजाज बराए हुस्ने कारकर्दगी, शोबा साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस। सैयद तजम्मुल हुसैन ने लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से फाइनेंस और मार्केटिंग की डिग्री और जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी बाल्टीमोर मैरीलैंड USA से डेटा साइंस में स्पेशलाइजेशन की हुई है। COVID-19 बहरान के दौरान आप नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर NCOC से करीबी तौर पर वाबस्ता रहे। आपकी क्यादत में मस्नूई जहानत को इस्तेमाल करते हुए 20 साइंसदानों, इंजीनियर्स और PhDs की टीम फरवरी 2020 से COVID-19 बीमारी से मुतालिक मॉडलिंग और उसके फैलाव का तजिया कर रही है। पाकिस्तान के मालियाती इदारों ने आपके तहकीकी और तरक्याती कामों को इस्तेमाल करते हुए फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के रहनुमा उसूलों, खासतौर पर दहशतगर्दी की माली मुआवनत और मनी लॉन्ड्रिंग से मुतालिक नकात पर अमल दरामद में नुमाया किरदार अदा किया। साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने सैयद तजम्मुल हुसैन को सदारती एजाज बराए हुस्ने कारकर्दगी अता किया है। प्रोफेसर डॉक्टर यासिर अयाज, एजाज सदारती एजाज बराए हुस्ने कारकर्दगी, शोबा साइंस रोबोटिक्स। प्रोफेसर डॉक्टर यासिर अयाज ने टोहोको यूनिवर्सिटी जापान से रोबोटिक्स और मशीन इंटेलिजेंस में तखसुस के साथ PhD की डिग्री हासिल की है। आप फिलवक्त नेशनल सेंटर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस NCAI पाकिस्तान में बतौर सेंट्रल प्रोजेक्ट डायरेक्टर खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जो कि $10 मिलियन से जायद की फंडिंग के साथ टेक्नोलॉजी के मैदान में सबसे नया और जदीद इकदाम है। आप रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान में इंस्टीट्यूट बराए इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स के बानी और सदर हैं। आप रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायो इंजीनियरिंग के मैदान में 80 से जायद पब्लिकेशंस और रिव्यूज के मुसन्निफ हैं। इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन क्लाइंबिंग एंड वॉकिंग रोबोटिक्स सिडनी ऑस्ट्रेलिया में सॉफ्ट फिंगर्स को इस्तेमाल करते हुए रोबोटिक ग्रास्पिंग पर आपके काम को 3rd बेस्ट टेक्निकल पेपर अवार्ड का एजाज अता किया गया। साइंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में
सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने प्रोफेसर डॉक्टर यासिर अयाज को सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया है। मोहतरमा शकीला नाज एजाज सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी शोबा फन गुलुकारी। मोहतरमा शकीला नाज 1964 में मर्दान में पैदा हुई। आपने पश्तो मौसीकी की तमाम असनाफ जैसे कि टप्पा चारबेता नज्म गजल और मिली नगमों वगैरह में तबा आजमाई की। आपने 50 से जायद एल्बम रिकॉर्ड करवाए और बहसियत स्टेज गुलुकारा और पीटीवी के लिए बेशुमार बार अपने फन का मुजाहिरा किया। आपने कौमी सतह पर लोक वर्षा के प्रोग्रामों में खैबर पख्तूनख्वा की नुमाइंदगी की। गुलुकारी के अलावा आपने पीटीवी और स्टेज के लिए कई मरकजी किरदार जैसे कि पश्तो रोमानवी दास्तान शेर आलम और मैमूना में मैमूना का किरदार अदा किया। आपको खैबर पख्तूनख्वा का खैबर अवार्ड और ऐवान फिक्र फन पंजाब से तलाई तमगा हासिल करने का एजाज हासिल है। फन गुलुकारी के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मोहतरमा शकीला नाज को सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया है। जनाब इरफानुल्ला जान एजाज सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी शोबा समाजी फालियत इंसान दोस्ती। जनाब इरफानुल्ला जान कुरम कबायली जिला के एक दूर उफ्तादा गांव से ताल्लुक रखते हैं। आपने माजूर अफराद की फला और बहाली के लिए फाटा डिसेबल्ड वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन कायम की और उस तंजीम के सदर हैं। 2011 में जिला कुरम में एक दहशतगर्द बम धमाके के दौरान आप अपनी दोनों टांगें खो बैठे। आपकी तंजीम की जानिब से 700 से ज़ायद मुतासरीन को निचले और ऊपरी आज़ा की पेवंदकारी फराहम की गई। आपने माजूर अफराद को रोजगार फराहम करने के लिए खुसूसी ऑटो रिक्शों और दुकानों का इंतजाम किया। कम्युनिटी के लिए आपकी खिदमात और वाबस्तगी साबित कदमी और समाजी काम की एक बेहतरीन मिसाल है। समाजी फालियत इंसान दोस्ती के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब इरफानुल्ला जान को सदारती एजाज बराए हुस्न कारकर्दगी अता किया है। नेम चौधरी खालिद महमूद अवार्ड सितारे कायदे आजम फील्ड सर्विसेज टू पाकिस्तान। चौधरी खालिद महमूद इज अ नॉर्वेजियन सिटीजन ऑफ पाकिस्तान ओरिजिन। ही वॉज बॉर्न इन जहलम पाकिस्तान एंड माइग्रेटेड टू नॉर्वे इन 1975। ही रिमेन्ड एक्टिव इन द सोशल एंड पोलिटिकल वर्क मेनली अंडर द लेबर पार्टी। ड्यू टू हिज एफर्ट्स द नॉर्वेजियन गवर्नमेंट अनाउंस्ड एन अर्थक्वेक रिलीफ पैकेज of 240 million Norwegian kroner. Due to his time in the parliament, he actively raised the voice on Kashmir dispute. He has recently published a book titled Kashmir Struggle in the Norwegian language. In recognition of his outstanding services in the field of services to Pakistan, the President of the Islamic Republic of Pakistan has been pleased to confer upon Chaudhry Khalid Mahmood the award of Zitara-e-Qaid-e-Azam. जनाब मोहम्मद अकबर खान एजाज तमगाए शुजात शोबा शुजात। जनाब मोहम्मद अकबर खान ने जनवरी 2005 में गिलगित शहर में मुश्तइल हजूम की लगाई हुई आग बुझाने में मदद की। जुलाई 2010 में शदीद बारिशों के दौरान आपने बहुत सी जानें बचाने में मदद दी।
गिलगित में अप्रैल 2012 और जुलाई 2013 में फिरका वाराना वाकयात के नतीजे में मुश्तइल हुजूम को पुरसुकून करने के लिए इनकी जुर्रतमंदाना कोशिशें काबिल तारीफ हैं। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मोहम्मद अकबर खान को तमगाए शुजात का एजाज अता किया है। जनाब इकबाल मसीह आंजहानी, एजाज तमगाए शुजात बाद अज मर्ग, शोबा शुजात। जनाब इकबाल मसीह 1983 में मुरीद के जिला शेखुपुरा में एक गरीब मसीही घराने में पैदा हुए। इकबाल मसीह को उनके खानदान ने 4 साल की उम्र में खानदान के कर्ज अदा करने के लिए काम पर लगा दिया। 10 बरस की उम्र में वो अपनी गुलामी से फरार हो गए। आपने बॉन्डेड लेबर लिबरेशन फ्रंट स्कूल में शमूलियत इख्तियार की और तेजी से 4 साला तालीमी प्रोग्राम को 2 साल की मुद्दत में मुकम्मल किया। आपने मुतअद्दिद पाकिस्तानी बच्चों को आजादी हासिल करने में मदद की जो बॉन्डेड लेबर का शिकार थे। आपने पूरी दुनिया में चाइल्ड लेबर के बारे में तकारीर की। आपने 1994 में बॉस्टन में रिबॉक ह्यूमन राइट्स अवार्ड हासिल किया। उन्हें 16 अप्रैल 1995 को अपने आबाई शहर मुरीद के में अपने रिश्तेदारों से मुलाकात के दौरान गोली मारकर हलाक कर दिया गया था, जब वो सिर्फ 12 साल के थे। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब इकबाल मसीह आंजहानी को तमगाए शुजात बाद अज मर्ग का एजाज अता किया है। मैं उनके भाई से दरख्वास्त करती हूं कि आकर एजाज वसूल करें। जनाब अब्दुल गफ्फार शेख शहीद, एजाज तमगाए शुजात बाद अज शहादत, शोबा शुजात। आपने 1982 में महकमाए कस्टम में शमूलियत इख्तियार की। 5 मार्च 2016 को एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन मॉडल कस्टम कलेक्टरेट हैदराबाद के अफसरान और अहलकारों ने हैदराबाद शहर के नवाह में टावर मार्केट के एक गोदाम पर छापा मारा, जहां स्मगल शुदा गुटखा जखीरा किया गया था। इस ऑपरेशन के दौरान स्मगलरों ने गोदाम के मालिक के साथ मिलकर एएसओ टीम पर पथराव किया और उन पर फायरिंग कर दी। इंस्पेक्टर अब्दुल गफ्फार शेख को सर में एक गोली लगी और वो जान भर ना हो सके और शहादत को गले लगा लिया। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब अब्दुल गफ्फार शेख शहीद को तमगाए शुजात बाद अज शहादत का एजाज अता किया है। मैं उनकी बेवा से दरख्वास्त करती हूं कि आकर एजाज वसूल करें। जनाब जिया हुसैन शहीद, एजाज तमगाए शुजात बाद अज शहादत, शोबा शुजात। जनाब जिया हुसैन 14 जून 1970 को नसरपुर टंडो अलायार सिंध में पैदा हुए। आपने 19 जुलाई 1992 में महकमाए कस्टम्स में शमूलियत इख्तियार की। 11 जुलाई 2015 को एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन ने हैदराबाद के एक गोदाम में जखीरा करदा गुटखा जब्त कर लिया। जब्त शुदा सामान की मुंतकली के दौरान मुसल्ला स्मगलरों ने गाड़ी पर घात लगाकर हमला कर दिया। इस अमल में स्मगलरों ने अपनी गाड़ी से एंटी स्मगलिंग ऑर्गेनाइजेशन की गाड़ी को टक्कर मारी, जिसके नतीजे में जिया हुसैन शदीद जख्मी हो गए। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां 16 जुलाई 2015 को उन्होंने शहादत को गले लगा लिया। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब जिया हुसैन शहीद को
तमगाए शुजात बादस शहादत का एजाज अता किया है। मैं उनके बेटे से दरख्वास्त करती हूँ कि आकर एजाज वसूल करें। जनाब तबस्सुम शबीर आवान, एजाज तमगाए शुजात, शोभा शुजात। जनाब तबस्सुम शबीर आवान जून 2010 से इंसदादे दहशतगर्दी के लिए अपनी खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। आपने 2016 से लेकर अब तक मुख्तलिफ दहशतगर्दों को ठिकाने लगाया जिन पर लाखों रुपए का इनाम था, जिसमें इंतहाई मतलूब दहशतगर्द भी शामिल थे जो कि उलमाए कराम की शहादत समेत दहशतगर्दी की मुख्तलिफ सरगर्मियों में शामिल थे। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब तबस्सुम शबीर ऐवान को तमगाए शुजात का एजाज अता किया है। जनाब इरफान अहमद खान दुरानी, एजाज तमगाए शुजात, शोभा शुजात। जनाब इरफान अहमद खान दुरानी 1990 में मुल्की सलामती के एक इदारे से मुंसलिक हुए। आपने बरतानिया के एक इंतहाई मतलूब शख्स को गिरफ्तार किया जिसने जाके की वारदात के दौरान एक बरतानवी पुलिस ऑफिसर का कत्ल किया था और पाकिस्तान में रूपोश था। आपने उन दहशतगर्दों को गिरफ्तार करने के मंसूबे पर अमल दरामद किया जिन्होंने पाकिस्तान में दहशतगर्दी की सरगर्मियों की मंसूबाबंदी की या उस पर अमल दरामद किया और जो 2002 से अब तक तकरीबन 450 अमवात के जिम्मेदार थे। शुजात के शोबे में आपके गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब इरफान अहमद खान दुरानी को तमगाए शुजात का एजाज अता किया है। जनाब असदुल्ला कुरैशी, एजाज तमगाए शुजात, शोभा शुजात। जनाब असदुल्ला कुरैशी इंसदादे दहशतगर्दी तफ्तीशी टीम के साथ मुंसलिक हैं। आपने इंसदादे दहशतगर्दी के मुतअद्दिद ऑपरेशंस में हिस्सा लिया जिनमें इंतहाई मतलूब दहशतगर्द भी शामिल थे। जनाब असदुल्ला कुरैशी की दलेराना काविशों की बदौलत सिंध और बलूचिस्तान में अमन की बहाली और हजारों मासूम जानों का बचाना मुमकिन हुआ। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब असदुल्ला कुरैशी को तमगाए शुजात का एजाज अता किया है। जनाब मोहम्मद अली, एजाज तमगाए शुजात, शोभा शुजात। 17 साल नौजवान लड़के जनाब मोहम्मद अली हाफिज कुरान का ताल्लुक पुराने पोलो ग्राउंड डिस्ट्रिक्ट गिलगित से है। आप गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 गिलगित में 10वीं जमात के तालिब इल्म हैं। ये वाकया 7 सितंबर 2019 का है जब एक 8 साल बच्चा आमिर हुसैन दरियाए गिलगित में गिर गया। जनाब मोहम्मद अली फौरी तौर पर उस मंजर की जानिब भागे और अपनी जान खतरे में डालते हुए दरिया में कूद गए। आपने बच्चे को डूबने से बचाने के लिए ठाठे मारते हुए दरिया के बहाव के साथ तकरीबन 1 किलोमीटर तक अपनी जिद्दोजहद जारी रखी। आप बिलाखिर बच्चे को बचाने में कामयाब हो गए और उसे बाहिफाजत दरिया के किनारे पर ले आए। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मोहम्मद अली को तमगाए शुजात का एजाज अता किया है। जनाब अहमद अली और जनाब सादिक हुसैन, एजाज तमगाए शुजात, शोभा शुजात।
जनाब अहमद अली महकमे तवानाई गांचे गिलगित बल्तिस्तान में बिलिंग क्लर्क और जनाब सादिक हुसैन जो उसी इलाके के रहने वाले थे ने 19 दिसंबर 2018 को शेयोक सेक्टर में शेर पोस्ट और बिलाल पोस्ट पर दो बहादुर सिपाहियों ने जामे शहादत नोश किया तो उनके जसद खाकी पाक फौज के जराये से हासिल नहीं किए जा सकते थे। शदीद मौसमी हालात और दुश्मन की मुसलसल फायरिंग के बावजूद आप दोनों एक शहीद का जस्ते खाकी और एक जख्मी सिपाही को निकालने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान आर्मी ने आप दोनों को 2015 और 2016 में बिल तरतीब सनत तहसीन और तारीफी सर्टिफिकेट से नवाजा। शुजात के शोबे में जनाब अहमद अली और जनाब सादिक हुसैन की गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने तमगे शुजात के एजाजात अता किए हैं। मैं जनाब अहमद अली से दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपना एजाज वसूल करें। अब मैं जनाब सादिक हुसैन से दरख्वास्त करता हूं कि वह अपना एजाज वसूल करें। जनाब नूरुद्दीन एजाज तमगाए शुजात शोबा शुजात। जनाब नूरुद्दीन गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत के काबीना विंग में ट्रांसपोर्ट ड्राइवर के खिदमात अंजाम दे रहे हैं। 17 नवंबर 2020 को 2:30 बजे जब आप सूबाई वजीर बराए पानी व तवानाई के साथ ड्यूटी पर मौजूद थे तो सूबाई जनरल इलेक्शन के रद्द अमल में एक हुजूम ने सरकारी गाड़ी पर पथराव शुरू कर दिया। आपने सूबाई वजीर को महफूज मकाम पर पहुंचाने के लिए गार्ड की मुआवनत की। बाद अजां हुजूम ने सरकारी गाड़ी को आग लगा दी। आपने गाड़ी पर आवेजा पाकिस्तान के कौमी परचम को जलती हुई गाड़ी से उतार लिया। इसके फौरी बाद गाड़ी को आग लग गई। आपने कौमी परचम से इंतहा दर्जे की वफादारी और उसको बेहुरमती और जलने से बचाने के लिए अपनी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब नूरुद्दीन को तमगा शुजात का एजाज अता किया है। मलिक दारा खान शहीद एजाज तमगाए शुजात बाद शहादत शोबा शुजात। मलिक दारा खान 1950 में तहसील सफी मोहम्मद कबायली डिस्ट्रिक्ट के चनारी मसूद इलाके में पैदा हुए। 2007 में जब तालिबानाइजेशन अपने अरूज पर थी तो आपने उनके जुल्म के खिलाफ तहरीक शुरू की। 2010 में अस्करियत पसंदों ने आपका घर मिसमार कर दिया और उसे मुकम्मल तौर पर जला दिया। 25 जनवरी 2014 को अस्करियत पसंदों ने आपकी गाड़ी पर रिमोट कंट्रोल बम से हमला किया जिससे आपको शदीद चोटें आईं और आपकी गाड़ी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। इसके अलावा आपके खानदान के 10 अफराद शहादत के मर्तबे पर फाइज हुए। 13 नवंबर 2016 को खुद साख्ता धमाका खेज डिवाइस की वजह से आपने मौके पर ही जामे शहादत नोश किया। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मलिक दारा खान शहीद को तमगाए शुजात बाद शहादत का एजाज अता किया है। मैं उनके बेटे से दरख्वास्त करती हूं कि आकर एजाज वसूल करें। जनाब मोहम्मद रहीम शाह एजाज तमगाए शुजात शोबा शुजात। जनाब मोहम्मद रहीम शाह कौमी सलामती के एक इदारे के साथ मुंसलिक हैं। इंसदाद दहशतगर्दी की मुतअद्दिद कार्रवाइयों में पेश पेश रहे हैं जिसकी वजह से कई दहशतगर्दों को कैफर किरदार तक पहुंचाया गया। मस्कूरा अफसर ने दहशतगर्द ग्रुपों से असलहा और गोला बारूद की बाजियाबी के लिए किए जाने वाले मुतअद्दिद ऑपरेशंस में अपनी टीम की सरबराही की। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मोहम्मद रहीम शाह को तमगाए शुजात का एजाज अता किया है।
जनाब सईद खान एजाज तमगाए शुजात शोबा शुजात, जनाब सईद खान इंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशंस में ऑफिसर की हैसियत से खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आपकी बरवक्त कार्रवाई से दहशतगर्दी की कई वारदातें नाकाम हुई और बेगुनाह शहरियों की जान महफूज रही। मस्कूरा अफसर की अनथक काविशों की बदौलत अस्करियत पसंदों पर मुश्तमिल टीम की गिरफ्तारी मुमकिन हुई। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब सईद खान को तमगाए शुजात का एजाज अता किया है। जनाब मोहम्मद वलीद साबिर खान एजाज तमगाए शुजात शोबा शुजात, जनाब मोहम्मद वलीद साबिर खान एक जहीन और पुरअज़्म अफसर हैं जिनमें पेचीदा मामलात और पोशीदा कामों को सरंजाम देने की कुदरती सलाहियत मौजूद है। आपने दहशतगर्दों के खिलाफ कई ऑपरेशंस किए जिनमें दहशतगर्दों का खात्मा और गिरफ्तारियां शामिल हैं। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब मोहम्मद वलीद साबिर खान को तमगाए शुजात का एजाज अता किया है। जनाब वकार अहमद एजाज तमगाए शुजात शोबा शुजात, जनाब वकार अहमद कौमी सलामती के एक इदारे में खिदमात सरंजाम दे रहे हैं। आपने अपनी जान खतरे में डालकर रियासत मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस मुख्तलिफ अनासर की गिरफ्तारी को मुमकिन बनाया। आपने दुश्मन इंटेलिजेंस एजेंसी के तरबियत याफ्ता जासूस गिरफ्तार करने में भी अहम किरदार अदा किया। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब वकार अहमद को तमगाए शुजात का एजाज अता किया है। जनाब अब्दुल कहार खान एजाज तमगाए शुजात शोबा शुजात, जनाब अब्दुल कहार खान कौमी सलामती के एक इदारे में खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आपने टीम लीडर के तौर पर नुमाया खिदमात अंजाम दी। आपने मुतादिद सहूलतकारों के नेटवर्क्स को बेअसर करने और गोला बारूद और हथियारों के भारी जखीरे की बाजियाबी के साथ उनके हेडक्वार्टर को तबाह करने में अहम किरदार अदा किया। ये दहशतगर्द मुख्तलिफ नस्ब शुदा आलात के जरिए हमलों, रॉकेट फायर, फौजी दस्तों पर हमलों और टारगेट किलिंग में मुलव्वस थे। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब अब्दुल कहार खान को तमगाए शुजात का एजाज अता किया है। जनाब जमील अहमद कलहोड़ो एजाज तमगाए शुजात शोबा शुजात, जनाब जमील अहमद कलहोड़ो 10 अप्रैल 1987 को जिला खैरपुर में पैदा हुए। आपने इस्लामिया कॉलेज सखर से 2008 में ग्रेजुएशन की। आपने 2014 में खैरपुर में एक पुलिस कांस्टेबल की हैसियत से अपनी पेशा वराना जिंदगी का आगाज किया। 17 अगस्त 2021 को आप खैरपुर रेलवे स्टेशन पर तैनात थे। तकरीबन रात 11:30 बजे ट्रेन जब रेलवे स्टेशन से निकल रही थी तो एक मुसाफिर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के दरमियानी खला में गिर पड़ा और चलती हुई गाड़ी से कुचले जाने के खतरनाक हद तक करीब था। 11:30 बजे ट्रेन जब रेलवे स्टेशन से निकल रही थी तो एक मुसाफिर ट्रेन और प्लेटफॉर्म के दरमियानी खला में गिर पड़ा और चलती हुई गाड़ी से कुचले जाने के खतरनाक हद तक करीब था। आप तेजी से रद्द अमल देते हुए मुसाफिर की जानिब लपके उसे अपनी गिरफ्त में लेकर वापस प्लेटफॉर्म पर खींच लिया और यूं
उसकी जान बचा ली। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ़ में सदर इस्लामी जमहूरी पाकिस्तान ने जनाब जमील अहमद कलहोड़ो को तमगा शुजात का एजाज अता किया है। जनाब अदनान मलिक एजाज तमगा शुजात शोबा शुजात। जनाब अदनान मलिक 6 जून 1978 को सियालकोट में पैदा हुए। 2004 में पंजाब यूनिवर्सिटी लाहौर से इक्तसादियात में मास्टर्स डिग्री हासिल की। आप 5 दिसंबर 2014 को सियालकोट में राजको इंडस्ट्रीज से बतौर मैनेजर मुंसलिक हुए। 3 दिसंबर 2021 को उसी जगह एक इंतहा पसंद बेकाबू हुजूम ने फैक्ट्री के मैनेजर जनाब देवदनागे दौन नंदासरी प्रियांथा कुमारा को तोहीने रिसालत का इल्जाम लगाकर गैर कानूनी तौर पर मौत के घाट उतारने की कोशिश की। जनाब अदनान मलिक ने अपनी जान को खतरे में डालकर मारे जाने वाले अपने श्रीलंकन रफीक कार के ऊपर अपने जिस्म का साया करते हुए उन्हें बचाने की कोशिश की। जनाब कुमारा बिलाखिर मुश्तइल हुजूम की मारपीट से जान की बाजी हार गए। जनाब अदनान मलिक ने अपने श्रीलंकन रफीक कार को बचाने के लिए अपनी जान को खतरे में डाल दिया। शुजात के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब अदनान मलिक को तमगा शुजात का एजाज अता किया है। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आबिद एजाज तमगा इम्तियाज शोबा इंजीनियरिंग मैकेनिकल। प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आबिद ने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी लाहौर से बीएससी और यूनिवर्सिटी ऑफ स्ट्रेथक्लाइड बरतानिया से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की डिग्री हासिल की। आप जुलाई 2014 से कॉमसेट्स यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में डीन फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग डायरेक्टर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च चेयर और सरबरा शोबा और प्रोफेसर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के तौर पर काम कर रहे हैं। आपने दिफाई शोबे के एक मेगा प्रोजेक्ट को मुतहर्रिक किया है ताकि मकामी सतह पर हल फराहम किया जा सके, जिसके नतीजे में ज़रे मुबादला की जबरदस्त बचत मुमकिन हुई। आपने शमसी तवानाई के इस्तेमाल इतलाक के लिए ताजिकिस्तान की अकेडमी ऑफ साइंसेस से मुश्तरका तौर पर 2 बैन-अल-अक़वामी पेटेंट हासिल किए हैं। आपने 2005 में पाकिस्तान अकेडमी ऑफ साइंसेस गोल्ड मेडल, 2006 में हायर एजुकेशन कमीशन आउटस्टैंडिंग रिसर्च अवार्ड और 2011 में HEC बेस्ट यूनिवर्सिटी टीचर अवार्ड हासिल किया। इंजीनियरिंग मैकेनिकल के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद आबिद को तमगा इम्तियाज का एजाज अता किया है। मोहतरमा मोमिना दुरैद कुरैशी एजाज तमगा इम्तियाज शोबा फन ड्रामा हिदायतकार पेशकार। मोहतरमा मोमिना दुरैद कुरैशी ने 1997 में लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज से ग्रेजुएशन की। आपकी पहली इनफरादी प्रोडक्शन मेरे पास पास थी, जिससे आपको कबूल आम हासिल हुआ। 2010 में आपने दास्तान के नाम से एक ड्रामा पेश किया जो कयामे पाकिस्तान से जुड़े वाकयात पर मबनी था, जिसने तनकीद निगारों से बेपनाह दादो तहसीन हासिल की और वक्त की मकबूल तरीन सीरीज में से एक बन गया। आपने फरहत इश्तियाक के नॉवल हम सफर की ड्रामाई तश्कील की, जो रिलीज के बाद फौरी तौर पर दुनिया भर में मकबूल हुआ। 2015 में आपका नाम पॉन्ड्स कंपनी की मौजजाती सफर की फहरिस्त इंस्पिरेशनल वुमेन में शामिल किया गया। फन ड्रामा हिदायतकार पेशकार के शोबे में आपकी शानदार खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने मोहतरमा मोमिना दुरैद कुरैशी को तमगा इम्तियाज का एजाज अता किया है।
जनाब असद महमूद, एजाज तमगा इम्तियाज, शोभा खिदमत आमा। जनाब असद महमूद 4 मई 1983 को रियाज सऊदी अरब में पैदा हुए। आपने यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी टेक्सिला से 2006 में बीई मैकेनिकल इंजीनियरिंग की डिग्री और इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से 2016 में मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मास्टर्स की डिग्री हासिल की। आपने वजारत मौसमी तब्दीली और इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट के माबेन राबते इस्तवार किए और आलूदगी का बाइस बनने वाले ईंटें बनाने के सदियों पुराने अमल से जिगजैग में तब्दीली के आगाज की बुनियाद रखी। 2 साल के अरसे में 7986 भट्टों ने जिगजैग फायरिंग टेक्नोलॉजी को मजमुई तौर पर या कम अज कम धुनकनियों, मोटर्स और वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव्स की हद तक अपना लिया है। इसके अलावा जनाब असद महमूद ने पाकिस्तान के नेशनल एनर्जी एफिशिएंसी एंड कंजर्वेशन एक्ट की ड्राफ्टिंग और मंजूरी में मरकजी किरदार अदा किया। खिदमात आमा के शोबे में आपकी गैर मामूली खिदमात के एतराफ में सदर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान ने जनाब असद महमूद को तमगा इम्तियाज का एजाज अता किया है। सदर मुमलिकत, आपकी इजाजत हो तो इस तकरीब का इख्तिताम किया जाए। खवातीनों हजरात, इस कौमी तकरीब बराए तकसीम एजाजात का इख्तिताम किया जाता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, द फॉर्मल प्रोसीडिंग्स ऑफ द इन्वेस्टर सेरेमनी आर नाउ क्लोज्ड। मेहमान ग्रामी से दरख्वास्त है कि अब चाय के लिए बाहर लॉन में तशरीफ ले जाएं। The honorable guests are requested to kindly proceed for refreshments after the honorable president has left the room, please. के मौके पर यौम पाकिस्तान के मौके पर रवाने सदर इस्लामाबाद में तकसीम एजाजात की तकरीब। सदर मुमलिकत ने मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात अंजाम देने वालों को सिविल एजाजात से नवाजा। किश्वर नाहिद के लिए शोबा अदब में नुमाया खिदमात पर हिलाले इम्तियाज का एजाज दिया गया। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज से फिलवक्त इतना ही।